पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सुनने के लिए 5-5-6 घंटा बैठता है, उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में, मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि अगर हम आपसे कहें कि फिर से खेला हो सकता है या खेला की आशंकाएं दिख रही है, आपको बता दें कि जहां चिराग पासवान जैसे नेता नीतीश कुमार की नीतियों का कटाक्ष करते नजर आ रहे थे, कि नीतीश कुमार की नीतियों को पसंद नहीं करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो साथ घूमते नजर आ रहे। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, राजनीति में सब अपने फायदे के हिसाब से काम करते हैं और आते और जाते हैं। इसी पक्ष में आपको बता दें कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आए। सोचिए, एक ही पार्टी के हैं, एनडीए में क्या टूट आ सकता है? मांझी काफ़ी बड़े नेता है और नीतीश कुमार तो आपको पता है, जहां जिनका साथ होता है उसकी सरकार बनती है। नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी कहते नजर आए कि नीतीश कुमार ने कहा था कि तुम्हारे पास पैसा है जो तुम पार्टी चलाएगा, तो मांझी बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा तो नहीं है लेकिन हमारी पार्टी चल भी रही है और दौड़ भी रही है। और क्या कुछ कहते नजर आए, पहले आप ये सुने। सुनने के लिए 5-5-6 घंटा बैठता है, उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखे। संतोष जी ने भी इस बात को कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भी कहना चाहते हैं, ये हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं, ये बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ जाया है। क्योंकि सम्मान का काम आपने किया है, हम संबोधन करेंगे लेकिन पहले मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को, लोग को, आज के राजनीति में जो 2 बरस 4 बरस 5 बरस 1 टर्म 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए, आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक का। तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को, उन्होंने कहा कि आज संतोष मांझी के पास 3-3 विभाग है, केंद्रीय मंत्री हैं और मेरे पास भी विभाग है, मेरी पार्टी चल ही नहीं रही है, दौड़ भी रही है। नीतीश कुमार ने एक बार हमें दिया था ऑफर कि अपनी पार्टी को हमारे साथ जोड़ दो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया और हमें लगता है कि वो सही निर्णय हमने लिया था। इस खबर में बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।